नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत के सबसे रहस्यमय करेंसी नोट के बारे में जानेंगे। इस करेंसी नोट को भारत के बहुत कम लोगों ने देखा है और यही कारण भी है कि इसीलिए यह इतना रहस्यमय भी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे कम प्रचलित करेंसी 1 रुपए के नोट के बारे में। भारत में 1 रुपए का नोट साल 1917 में शुरू किया गया था और अब यह 1 सदी पुराना हो चुका है। यानी इस नोट ने भारत का इतिहास बदलते हुए भी देखा है। आजकल मार्केट में 1 रुपए का नोट भले ही बेहद कम दिखाई देने लग गया हो, लेकिन यह एक ऐतिहासिक नोट है जिससे कई सारे रहस्य और रोचक तथ्य भी जुड़े हुए हैं। इस नोट को आज से 102 साल पहले ब्रिटिश शासन ने जारी किया था, लेकिन अब इस नोट को भारत सरकार जारी करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नोट की छपाई सन 1926 में बंद कर दी गई थी, लेकिन फिर से सरकार ने सन 1940 में इसे छापना शुरू कर दिया और इसके बाद इसे 1994 तक लगातार छापा गया और एक बार फिर इसे बंद कर दिया गया। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि इसे हाल ही में वापस साल 2015 में फिर से शुरू कर दिया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं इस नोट की सबसे रहस्यमय बात, जिसे जानकर हम भी चौंक गए थे। दरअसल भारत देश की हर करेंसी को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI जारी करता है, लेकिन यही एक ऐसी करेंसी है जिसे खुद भारत सरकार छापती है। और यही कारण है कि इस नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर की बजाय भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। कानूनी आधार पर इसी 1 रुपए के नोट की वास्तविक मुद्रा नोट है, क्योंकि इसके अलावा बाकी जितने भी नोट होते हैं वो सारे के सारे नोट प्रॉमिसरी नोट होते हैं, जिन पर गवर्नर धारक को उतनी राशि अदा करने का वचन देता है। पर यही एक रुपए का नोट ऐसा है जो असली में एक मुद्रा नोट है। भारत देश की आजादी से पहले इस नोट पर ब्रिटिश सरकार के 3 वित्त सचिवों के हस्ताक्षर होते थे। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि पिछले 100 साल में इस 1 रुपए के नोट की डिजाइन 28 बार बदली जा चुकी है। भारत देश के आजाद होने के 2 साल के बाद भारत सरकार ने सन 1939 में इस नोट पर अंग्रेजों के राजा की फोटो को हटवाकर इस पर शेर और अशोक चिन्ह की तस्वीर लगवाई थी। सन 1994 में इस नोट की छपाई इसीलिए बंद करी गई थी क्योंकि इस नोट को छापने की लागत ही 2 रुपए हो गई थी, लेकिन ब्रिटिश राज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो आखिर अचानक यह कैसे हो गया? यह एक रहस्य ही है और शायद रहस्य ही रहेगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।